मेरा पेशेंट डायग्नोस हुआ ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कमजोर हड्डी से। इतनी कमजोर थी सब उखड़ के बाहर आ जाता है, क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर जितेश मंगवानी, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन, रोबोटिक स्पाइन सर्जन, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, न्यू दिल्ली। जब भी हड्डी कमज़ोर होती है, उस केस में आज के डेट में कई टेक्निक्स हैं जिससे कि ये कमज़ोर हड्डी के अंदर भी मजबूती से अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया जा सकता है। तो क्या टेक्निक्स हैं? हड्डी के अंदर सीमेंट डाला जा सकता है जिससे कि पुर्जों की पकड़ बहुत अच्छी हो। स्पेशल बने हुए पुर्जे होते हैं जो नेचुरली हड्डी के अंदर इतनी मजबूती से पकड़ देते हैं कि सीमेंट भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साइंटिफिकली कोई टेक्निक्स ऐसी हैं जिस तरीके से अगर हम पुर्जे डालें तो उससे नेचुरली ताकत बढ़ जाती है एंड हमें ना ये स्पेशल पुर्जे ना ये कोई सीमेंट की ज़रूरत होती है। ये सारे तरीके हैं जिससे कि पुर्जों का उखड़ के बाहर आना, जो कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, गलत बात है, वो प्रिवेंट किया जाता है। आज के डेट में जिनकी हड्डी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनके कि खांसने से उनको फ्रैक्चर हो गया है, जिनके कि रजाइयाँ खींचने से उन्हें फ्रैक्चर हो गया है, उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर थी, तो उनको भी अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, माय फ्रेंड्स मार्क करिए इस बात को, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो सक्सेसफुली इन पेशेंट्स का ऑपरेशन किया जाता है बिना किसी खौफ के, डर के, जिससे कि पेशेंट अगले दिन से ही उठ के चलना फिरना चालू कर देता है। थैंक यू।